साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूं। 1 अगस्त को दिल्ली के अंदर ही 9 साल की बच्ची को सामूहिक बलात्कार करके नोचा गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके शव को जला दिया जाता है। और 11 अगस्त को फिर एक खबर आती है, इस बार 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया गया, उसे नोचा गया, और वो 6 साल की मासूम बच्ची एम्स के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं। दोनों मामलों में SC ST एक्ट में FIR दर्ज हुई, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज हो गया है रेप का, आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। आगे क्या, आगे फिर एक और रेप। सबक, डर, खौफ नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि ये एक मामला बनकर रह जाता है। मांग उठती रही फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए, फास्ट ट्रैक मतलब 6 महीने में दोषियों को फांसी के तख्तों पर झुला दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक किसी भी दरिंदे के दिल में, दिमाग में वो खौफ नहीं आएगा जो हवस की भरी आंखों से हमारी बच्चियों की तरफ देखते और आगे उनके हाथ बढ़ते हैं। लाखों मामले आज भी अदालतों में निलंबित हैं। लाइए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, करिए 6 महीने के अंदर इनकी सुनवाइयां खत्म और इन्हें फांसी के तख्तों पर झुला दीजिए। जब हर रोज एक सुनने को मिलेगा, आज ये फांसी पर चढ़ गया, कल वो दरिंदा बलात्कारी फांसी पर चढ़ गया, जब रोज के ऐसे मामले और खबरें सुनेंगे तो जरूर अपराधियों के मन में खौफ और डर पैदा होगा। अगर सरकारें चाहती हैं, दिल्ली और केंद्र की सरकार हकीकत में चाहती है, तो आपको यही करना होगा और यही एकमात्र हल है जो हमारी बेटियों को, नाबालिग मासूम बेटियों को सुरक्षित रख सकता है।